अब बिहार भी स्वच्छता के मामले में होगा अव्वल। अब बिहार भी होगा सबसे साफ प्रदेश। जी हाँ, अब बिहार में भी शहरों की स्वच्छता रैंकिंग की शुरुआत हो रही है। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए इस बार नगर विकास और आवास विभाग बड़ी तैयारी कर रहा है। खबरों के मुताबिक इस सर्वेक्षण में अगर आप अपने शहर का मान बढ़ाना चाहते हैं, यानी अगले साल जारी होने वाले स्वच्छ शहरों की नेशनल रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन चाहते हैं, तो बिहार में प्रयोग के तौर पर 5 शहरों में लागू ठोस कचरा प्रबंधन आपके लिए एक मार्गदर्शक मॉडल बन सकता है। आप इसमें स्थानीय नगर निकाय से मिलकर शहर की सफाई में योगदान देने के साथ कमाई भी कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर, बोधगया, सुपौल, राजगीर और खगौल में इसकी शुरुआत की गई है। राज्य के 5 नगर निकायों में कचरा निष्पादन के अलग अलग 5 मॉडल अपनाए गए हैं। इसमें मुजफ्फरपुर मॉडल नॉर्थ इंडिया का कचरा निष्पादन का सबसे बेहतर मॉडल है। इसमें अभी 300 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। जुलाई तक कचरा से 12 टन खाद बनाया जा चुका है। राजगीर में 2 वार्डो के स्वयंसेवी संगठन कचरा कलेक्शन से लेकर उसके निष्पादन तक का काम इस महीने से शुरू हो गया है। इसमें कचरा से खाद बनाना, जिसको 5 रुपए प्रति किलो बेचने की तैयारी है। इसके अलावा खगौल में 10 महिलाओं की टीम कचरे से खाद बनाने का काम घर में ही शुरू कर रही है। बोधगया और सुपौल में भी ऐसे ही एक सिस्टम को डेवलप किया गया है। इस बार सिटीजन फीडबैक पर 1500 अंक, नगर निकायों के ऑनलाइन कार्य प्रणाली यानी सर्टिफिकेशन पर 1500 अंक, सर्विस लेवल प्रोग्रेस पर 1500 अंक और जनवरी में 4 से 31 के बीच मंत्रालय से आने वाली टीम की सीधी निगाह में आने वाले काम के लिए 1500 अंक दिए जाएंगे। इस बार देश के टॉप 10 साफ शहरों में बिहार को लाने का प्रयास किया जा रहा है। नगर निकायों के अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ 20 वर्कशॉप आयोजित किए गए हैं। हम आपको बता दें कि पिछले साल बिहार में मुंगेर, जमालपुर, किशनगंज, औरंगाबाद जैसे शहरों की रैंकिंग पटना से अच्छी रही। मुजफ्फरपुर को 387 और भागलपुर को 412 रैंक मिला था। कटिहार, मोतिहारी, बेतिया, बिहार शरीफ, सिवान, गया, जहानाबाद, दरभंगा, बगहा, सासाराम और बक्सर पटना से रैंकिंग में पीछे रहे। आरा, बेगूसराय, पूर्णिया, दानापुर, छपरा और सहरसा की स्थिति भी पटना से खराब थी। हम उम्मीद करते हैं कि इन प्रयासों से बिहार और भी खूबसूरत बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।